पहले तो हम आईपी डाल लें, क्योंकि आईपी डालने तक की देर है बस। कॉन्फ़िग टी आई एन टी एफ चाहिए फास्ट इथरनेट, एफ ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो नहीं एफ वन ऑब्लिक ज़ीरो, वन ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 1.1.1.1 मास्किंग 255.255.255.0 नो शिट। दूसरा आपके पास आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 नो शिट। आर टू पर जाते हैं कॉन्फ़िग टी आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 1.2.255.255.255.0 नो शिट। आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक वन आई पी एड्रेस 23.1.2.255.255.255.0 नो शिट। आर थ्री आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 23.1.1.3.255.255.255.0 नो शिट। और आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक वन आई पी एड्रेस 34.1.1.3.255.255.255.0 नो शिट। और आर फोर इनेबल कॉन्फ़िग टी आई एन टी एफ वन ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 4.4.4.4.255.255.255.0 नो शिट। और लास्ट आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो आई पी एड्रेस 34.1.1.4.255.255.255.0 नो शिट। राउटर OSPF लेट्स से 10 नेटवर्क 34.1.1.4.0.0.0.0 एरिया 0 और नेटवर्क 4.4.4.4.0.0.0 एरिया 0। R3 पे आते हैं एग्जिट राउटर OSPF 10 नेटवर्क 34.1.1.3.0.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 23.1.1.3.0.0.0.0 एरिया 0। R2 एग्जिट राउटर OSPF 10 नेटवर्क 23.1.1.2.0.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 12.1.1.2.0.0.0.0 एरिया 0 और R1 के पर एग्जिट राउटर OSPF 10 नेटवर्क 12.1.1.1.0.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 1.1.1.1.0.0.0.0 अब करना क्या है कि MPLS IP ऑलरेडी इनेबल्ड है आई एन टी एफ वन ऑब्लिक ज़ीरो MPLS IP इतना कमांड पड़े एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो MPLS IP R2 एग्जिट किया आई एन टी एस ज़ीरो ऑब्लिक ज़ीरो MPLS IP 0.1 MPLS IP R3 exit INT S0.1 MPLS IP 0.0 MPLS IP R4 INT S0.0 MPLS IP or INT F0.0 F1.0 MPLS IP नहीं, मैं तो अभी सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ जो नेटवर्क आपने भेजने हैं आपके पास उनको
इनकी जगह पर हम लूप बैक लेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में, फास्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल एमपीएलएस को पढ़ना सिखाया जा रहा है। आर वन पे दोस्त बनना चाहिए था, एक बन चुका है, एलडीपी नेबर रेडी है रही इसकी। आर टू पे दो नेबर बनने चाहिए थे, एक 12112 ये वन, एक 34 बन चुका। आर थ्री पे भी दो बनने चाहिए थे, 23112 और ये बन चुका है, और आर फोर पे एक बनना चाहिए था, आपके पास ये बन चुका है। अगर ये नहीं आते तो हम देखते क्या इश्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये बन चुके हैं। अभी अगर हम आर वन पे जाएं और कमांड चलाएं शो एम पी एल एस एल डी पी बाइंडिंग, इतनी बड़ी टेबल आर वन की बनी है। हम एक पे फोकस करें, हमने बताया था कि हर एक राउटर जनरेट करता है क्या लेबल्स। अब अगर ऐसे मान के चले कि अगर मुझे आपको कोई चीज देनी हो और एक किसी एक पेपर के अंदर मैंने आपको फोल्ड करके दिया, उसको आपने अगले को पास कर दी, आपने जैसा मिला था वैसे रखा, उसके ऊपर एक और पेपर लपेट दिया, अगले वाले ने और पेपर लपेट दिया, तो अब लास्ट वाले तक वो पहुंच गया आपके पास, उसके पास तीन बंडल्स गए एक के ऊपर एक रेप होते हुए। अब अगर ट्रैफिक आना चाहता है मेरे पास वापस उसमें, तो पहले ऊपर वाला अनकवर्ड होगा, फिर सेकंड वाला अनकवर्ड होगा, फिर आपके पास आएगा, आप भी मुझे कवर्ड करके दोगे बिकॉज आपने कवर्ड करके लिया था। ये आप देख रहे हैं कि हमने बताया था कि हर एक राउटर लेबल जनरेट करता है, बट आर वन पे अगर जाते हैं तो आर वन जो रूटर्स आपके पास है इस नेटवर्क के लिए लोकल बाइंडिंग जो बनाई है उसने और जो टैग लगाया है वो लगाया है नो लेबल। क्यों, इसका डिस्कशन फिर कल करेंगे। इससे हमने क्या कर लिया, एक लुकअप कम कर लिया, क्योंकि जो चीज़ मुझे देखनी थी वो फिर उसको हटा के देखनी पड़ती। अब मैंने जो आपको सामान दिया वो बिना कवर्ड करके दिया, आप जब दोगे बिना कवर्ड करके दे दोगे मुझे रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी, एक लुकअप कम हो गया, अदरवाइज इसको भी हटाना पड़ता मुझे। ये कहलाता है पी एच पी कॉन्सेप्ट, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग कहलाता है। तो आज की डेट में याद रखें, हर एक राउटर जो अपना लेबल्स देगा डायरेक्टली कनेक्टेड को, वो क्या करता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड को जो लेबल्स दिया जाता है वो इम्प्लिसिट नल दिया जाता है आज के डेट में, दैट इज द डिफॉल्ट रूल जो आपको समझाया हुआ है। हर एक लेबल जनरेट करता है, तो हर एक लेबल जनरेट करता है यानी डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए क्या जनरेट किया गया, इम्प्लिसिट नल। इसका जो आपके पास इंफॉर्मेशन ये वाली है, ये इंफॉर्मेशन आर वन की है और आर वन का आर आई डी है 12.1.1.1। अगर हम इस चीज को देखें जो यहाँ पर ये मौजूद है, वन का जो नेटवर्क है, ये जब पहुंचा होगा आर टू के पास तो यहाँ पहुंचा होगा किससे, इम्प्लिसिट नल से पहुंचा होगा, 100 नहीं आया होगा क्योंकि हमने एक तो एग्जांपल लिया 100 बेस था तो 100 आएगा। तो आर टू पे अगर हम आते हैं और यहाँ कमांड चलाते हैं शो एम पी एल एस एल डी पी बाइंडिंग, एल डी पी और बाइंडिंग, तो यहाँ पर हम सिर्फ वन पे फोकस करें, बहुत सारे पे फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिर्फ वन की, तो यहाँ देखें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है टी एस आर टेबल इन जो सोर्स आपके पास है वो ये लेकर आया हुआ है, और यहाँ पर उसका नाम क्या है, रिमोट बाइंडिंग, यानी इसका 1110/24 की हमने जो 100 बोली थी, यानी यहाँ पे इम्प्लिसिट नल उसने आर वन पे अगर देखें तो आर वन पे क्या लगाया उसने, इम्प्लिसिट नल लगाया इसने। ये आर टू पे जब पहुँचा होगा तो आर टू पे इस वन के लिए हमने क्या देखना है, इस वन के लिए हमने देखना है ये वाला, इसने इम्प्लिसिट आया, अब इसने इसके ऊपर एक लोकल लगाया होगा, इसने लोकल कितना लगाया उसके ऊपर 17। अब इसने जो 17 लगाया आर टू ने, चूंकि 16 से स्टार्टिंग की जाती है, वो 16 किसी और को दे चुका होगा, दैट्स वाई जो 16 अपने डायरेक्टली इनपुट बाज दिए होंगे उसने, तो इसने जो 17 लगाया अब ये 17 कहाँ पहुंचा होगा, आर थ्री के ऊपर। आर थ्री पे जाते हैं, आर थ्री पे शो एम पी एल एस एल डी पी बाइंडिंग कमांड चलाते हैं और वहाँ पे फिर हम सिर्फ एक पे फोकस करते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस नेटवर्क के लिए इसको जो रिसीव हुआ था वो क्या रिसीव हुआ था, 17 किससे रिसीव हुआ था, 23112 से। यहाँ देखते हैं आर टू के ऊपर, तो आर टू के का जो रिड है वो कितना है, 23112 है, इसने कितना लगाया था 17, ये इसके लिए क्या थी, लोकल बाइंडिंग थी। अब 17 जब लगाया आर थ्री पे, 17 पहुँचा आर थ्री पे, 17 पहुँचा इसके लिए रिमोट हुआ, बट इसने लोकल क्या लगाया, 16 लगाया, क्योंकि सारा गेम इसी में घूमते रहोगे 16 17 16 17, ठीक है, बट हम इसको कल चेंज करके लेवल्स फिर
इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आसानी रहे, 100 200 की फॉर्म में हमें शक्ल में नजर आ जाए। अब अगर हम देखें यहाँ पे आर फोर पे, तो आर फोर पे 16 नजर आएगा, सो एम पी एल एस एल डी पी बाइंडिंग, तो यहाँ पर ये उसका 16 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ देखेंगे ये 16 नजर आ रहा होगा यहाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास आ रहा है जो रिमोट है वो भी 16 है, जो 30 इससे आया 3413 से, और इसने लगाया भी 16 है, तो फिर कौन सा वाला यूज़ करें, तो ये फिर लिया जाएगा आई जी पी टेबल के थ्रू। तो ये तो थी बाइंडिंग, कल फिर इंशाल्लाह दोबारा समझाएंगे, अभी तो टाइम हो रहा है। और अब अगर हम इस पर देखेंगे आर फोर पे, तो आर फोर पे अगर वो देखना चाहते हैं शो एम पी एल एस फॉरवर्डिंग टेबल, तो ये फॉरवर्डिंग टेबल की शक्ल है जो आपको नज़र आ रही है सारे की सारी। जैसे कि अब मुझे वहाँ जाना है, वन पे जाना है, तो मुझे जाने के लिए क्या करना है, 16 का इस्तेमाल करना है। अब अगले पे जाऊंगा तो फिर और इस्तेमाल होगा, तो इसका डिस्कशन इंशाल्लाह कल करेंगे, आज टाइमिंग नहीं है। एक चीज़ और इसके अंदर नोट कर लें, जो लोकल लेवल होता है उसको हम इनकमिंग केबल लेवल बोलते हैं, टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जो लोकल लेवल है इसको हम बोलते हैं इनकमिंग लेवल। क्योंकि लोकल लेवल बनाकर हमने बांटा है, लोकल लेवल बनाकर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी से तो आएगा कोई, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसी से आएगा, ये लोकल लेवल। और जो रिमोट लेवल होता है वो कहलाता है आउटगोइंग लेवल। लोकल लेवल इक्वल टू इनकमिंग लेवल, क्योंकि जो हमने बांटा है लोकल बना के उसी से कोई आएगा, यानी वो इनकमिंग ट्रैफिक में इस्तेमाल होगा। और जिसने रिसीव किया है वो रिमोट लेवल है, यानी वो उससे बाहर निकलेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, आउटगोइंग लेवल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ेंगे।